आज की हमारी चर्चा का विषय न्याय दर्शन का जो दूसरा प्रमाण है वह है अर्थात अनुमान प्रमाण पर चर्चा होगी। अनुमान दो शब्दों से बना है, अनु और मान। अनु का अर्थ होता है पश्चात और मान का अर्थ होता है ज्ञान। तो अनुमान का अर्थ है वह ज्ञान जो एक ज्ञान के बाद आए, अर्थात पूर्ववर्ती ज्ञान के बाद में जो पश्चातवर्ती ज्ञान होता है उसे ही अनुमान कहते हैं। यहाँ पर धुएं और पहाड़ और आग, इन तीनों के माध्यम से ये समझाया गया है कि अनुमान किसे कहते हैं। पहाड़ पर धुएं को देखकर जहाँ पर आग होने का ज्ञान किया जाता है उसे अनुमान कहते हैं। इसलिए गौतम मुनि ने अनुमान को तत्वपूर्वकम प्रत्यक्ष मूलक कहा है। वह ज्ञान प्रत्यक्ष ही ज्ञान है जिसके आधार पर अनुमान की प्राप्ति होती है। यहाँ पर जो ध्यान देने योग्य बात है वो यही है कि अनुमान में विषयों का साक्षात्कार नहीं होता है। परिणाम स्वरूप अनुमान से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे परोक्ष ज्ञान कहा जाता है, मीडिएट नॉलेज। प्रत्यक्ष से प्राप्त ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान है, अर्थात इमीडिएट नॉलेज। प्रत्यक्ष की उत्पत्ति इंद्रियों के द्वारा होती है, लेकिन ऐसा अनुमान में नहीं होता है। तो अनुमान के जो अवयव हैं वे पांच हैं, इसीलिए पंचावयव के नाम से भी न्याय दर्शन का अनुमान जाना जाता है। और ये जो पंचावयव हैं, ये पहला वाला जो है इसमें अवयव वह प्रतिज्ञा कहलाता है, अर्थात अनुमान के द्वारा जिस वाक्य को हम सिद्ध करना चाहते हैं उसे प्रतिज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर पहाड़ पर आग को सिद्ध करना है तो हमें ये बात दूसरों के सामने स्पष्ट रूप से परिस्पष्ट रूप से उन्हें बताना होगा कि पहाड़ पर आग है, इसे हम सिद्ध करना चाहते हैं, और इसे सिद्ध करने का जो संकल्प है वह ही प्रतिज्ञा कहलाता है। तो पहला जो अवयव है वह प्रतिज्ञा कहलाता है, अर्थात पर्वत पर आग है, ये पंचावयव का पहला अवयव है। दूसरा हेतु है, हेतु का स्थान न्याय वाक्य में दूसरा है। तो प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए जो तर्क दिए जाते हैं, जो युक्ति दी जाती है उसे हेतु कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अनुमान का ये जो दूसरा अवयव है इसमें पर्वत पर आग को प्रमाणित करने के लिए धूम या धुएं का सहारा लेते हैं और कहते हैं कि क्योंकि इसमें धुआं है, अर्थात क्योंकि पर्वत पर धूम है। तो ये हेतु वाक्य है, तो इस हेतु के द्वारा ही पक्ष में अर्थात पहाड़ पर साध्य को अर्थात आग के अस्तित्व को सिद्ध किया जाता है। तीसरा इसमें है उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य। इसमें जो हम सिद्ध करना चाहते हैं उसकी पुष्टि के लिए कोई दृष्टांत दिया जाता है या कोई उदाहरण दिया जाता है। यदि हम धुएं के आधार पर, धूम के आधार पर अग्नि को या आग को प्रमाणित करना चाहते हैं तो इसके लिए कोई दृष्टांत जो दिया जाएगा वह उदाहरण है। जैसे रसोई घर में धुएं के साथ आग भी रहती है,
तो दृष्टांत के अतिरिक्त व्याप्ति का रहना भी आवश्यक है। तो हेतु और साध्य अर्थात धुआं और आग के बीच में जो अनिवार्य संबंध है उसे ही व्याप्ति कहते हैं। व्याप्ति संबंध ऐसा संबंध है जो कभी नहीं टूटता, और धुआं और आग के आवश्यक संबंध को व्याप्ति संबंध माना गया है। और इस संबंध को उदाहरण के लिए रसोई घर में दृष्टांत के रूप में बताया गया है कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, जैसे रसोई घर में। तो ये तीसरा जो अवयव है ये उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य कहलाता है। चौथा जो स्थान है पंचावयव में वो उपनय कहलाता है। उदाहरण के साथ हेतु और साध्य अर्थात धुआं और अग्नि के व्यापक संबंध को दिखलाने के बाद में उसे पक्ष में दिखलाना पड़ता है या उसे दिखलाया जाता है पक्ष में अर्थात पहाड़ पर, तो ये उपनय कहा जाता है। तो धुआं और आग का जो व्याप्ति संबंध है उसी का एक प्रकार से प्रयोग पहाड़ के संबंध में भी किया जाता है, और हम कह सकते हैं कि पहाड़ पर धुआं है। तो आग के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए कोई ना कोई स्थान होना चाहिए, क्योंकि शून्य में आग का होना हम नहीं दिखला सकते। तो वह जो स्थान जहाँ पे आग के अस्तित्व को दिखलाना है वह पर्वत ही है या पहाड़ी है, इसलिए कहते हैं पहाड़ पर धुआं है। इसके बाद में जो पांचवा जो अवयव है वो निगमन कहलाता है, इसलिए पहाड़ पर आग है या पर्वत पर आग है। तो इसे हम आरंभ में सिद्ध करने चले थे लेकिन तब ये सिद्ध नहीं हुआ था, इसीलिए ये प्रतिज्ञा कहलाता था, लेकिन अब ये सिद्ध हो गया है इसीलिए इसे निगमन कहा जाता है। तो प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य और उपनय की सहायता से पर्वत पर आग है, यह जो प्रतिज्ञा आरंभ में ली थी वो अब सिद्ध हो गई है, और ये इसीलिए जो पांचवा अवयव है वो निगमन कहलाता है। तो यहाँ पर ये देखना उचित होगा कि निगमन एक प्रकार से प्रतिज्ञा की पुनरावृत्ति नहीं है, क्योंकि इस स्थिति में इस पांचवें अवयव में सभी प्रकार के जो शंका है उसका समाधान हो जाता है, और हमें विश्वास और संतोष प्राप्त होता है कि हमने पहाड़ पर आग है इसे सिद्ध कर दिया है। तो व्याप्ति एक प्रकार से धुआं और अग्नि के बीच में जो व्यापक संबंध है उसे ही व्याप्ति कहते हैं। तो व्याप्ति को एक विशेष प्रकार का संबंध कहा गया है क्योंकि ये कभी टूटता नहीं है और एक प्रकार का अनिवार्य संबंध है। तो व्याप्ति से दो वस्तुओं के आपसी संबंध का बोध होता है, जिसमें एक व्यापक है और दूसरा व्याप्य है। तो जिसकी व्याप्ति रहती है उसे व्यापक कहते हैं, और जिसमें व्याप्ति रहती है उसे व्याप्य कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आग धुआं में हमेशा संबंध रखता है धुएं के साथ, तो यहाँ पे आग व्यापक कहलाएगा क्योंकि यह हमेशा धुआं के साथ या धूम के साथ रहता है। लेकिन धुआं व्याप्य कहा जाएगा क्योंकि धुआं ही वह वस्तु है जिसमें आग रहती है। तो न्याय दर्शन ने इस प्रकार से पंचावयव की मीमांसा की है।